आपको देश भर में हो रही बरसात का हाल बता देते हैं। पानी की मनमानी देश के कई इलाकों में दिखनी शुरू हो चुकी है। हर साल पानी अपनी यही कहानी दोहराता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बांध टूटने से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा पर टैंगून नदी का बांध क्या टूटा, मानो मालदा में मुसीबतों ने प्रवेश कर दिया। सीमाओं को पहचानना पानी की फितरत नहीं है, उसे तो रास्ता चाहिए बहने को। मालदा के महादेवपुर, हिमामनगर और कई इलाकों में हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई। दूर तक नजर फेरिए तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, चाहे घर हो, खेत खलियान हो या फिर सड़क, सभी पर पानी का कब्जा है। जो हैंडपंप लोगों को पानी देता था, आज खुद पानी में बेबस खड़ा है। पानी गांव के रास्तों को तोड़कर आबादी में घुस चुका है। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल में अजय नदी पर बना पुल बह चुका है। लोग बजरे के सहारे पानी को पार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि और कोई साधन ही नहीं है। असम में दूसरे दौर की बाढ़ ने राज्य के 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इससे अब तक 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। आबादी में पानी घुस चुका है। ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बात गुजरात की करें तो जामनगर के बाढ़ का पानी शहर के साथ साथ गाँव को भी अपने चपेट में ले चुका है। बाढ़ के पानी में ना कोई खेत दिख रहा है और ना ही नदी का छोर। ऐसे में गांव में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं जामनगर शहर में पानी का दखल कुछ इस तरह हुआ कि सारे निचले इलाकों में पानी का ही कब्जा हो गया। पानी ने पहियों को थाम दिया है, घरों में भी पानी ने अपनी पैठ कर ली है, तो लोग बाहर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। जामनगर की इस तस्वीर में पानी की रफ्तार देखी जा सकती है, जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बाहर ले जाने पर आमादा है। और जरा पानी का स्तर तो देखिए, ये मंदिर आधा डूब चुका है और इसका गुंबद अपने वजूद को बताने के लिए खड़ा हुआ है। गुजरात के जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, सौराष्ट्र और द्वारका में भारी बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं। इन जिलों के जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजकोट में वेणु नदी पर बना चेक डैम टूट चुका है और पानी तेज रफ्तार से आबादी की तरफ भाग रहा है। देखिए किस तरह राजकोट में वेणु नदी पर बने डैम के 20 गेट खोलने पर और पानी यहाँ से तेज रफ्तार से बह रहा है। इंसान अपनी समझ बूझ से बाढ़ जैसे मुश्किल हालात में सुरक्षित जगहों को तलाश लेता है, लेकिन जानवर क्या करें। ये मंजर गुजरात के राजकोट का है। खिजाड़िया गांव में पानी की रफ्तार में जो बहते दिख रहे हैं, वो बेजुबान मवेशी हैं। पानी की इस रफ्तार में इनकी गिनती करना मुश्किल है। सोचिए सैलाब इन्हें कहां किस हाल में ले जाएगा। ये किसी की अमानत होंगे, इनके सहारे किसी का परिवार पलता है। जब पानी खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऊना के राजपरा बंदरगाह की ये तस्वीरें तबाही की कहानी बयां कर रही हैं, जहां 4 मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। समुद्र की लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है। इससे पहले पानी की रफ्तार ने सुरक्षा दीवार को विध्वस्त कर दिया। एक झलक पोरबंदर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की देख लीजिए, जिसमें मिनसार नदी का पानी आबादी में घुस चुका है और एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये तो कुछ जगहों की ही तस्वीरें हैं, अभी ये बारिश की शुरुआत भर है। अभी ऐसी तस्वीरें उत्तरी भारत में खूब देखने को मिल सकती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियां उफनाएंगी, जो तबाही की कहानी लिखने को तैयार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।